हरी सब्जियों को ज़्यादा खाना। हरी सब्जियां हम कम खाते हैं, हम सोचते हैं कि जो है ये हरी सब्जियां खाना ये तो बीमारों का काम है। नहीं मेरे भाई, आपने यदि अभी हरी सब्जियां खाने नहीं शुरू की तो आप भावी बीमार हैं। तो इसलिए याद रखिए, यदि आप हरी सब्जियां नहीं खा रहे हैं, आप जो है वेजिटेबल जूस नहीं पी रहे हैं, वेजिटेबल जूस में मैं सबसे ज़्यादा लौकी को बताता हूँ, फिर डायबिटीज़ के पेशेंट को खीरा करेला टमाटर का बताता हूँ, और लौकी का जूस यदि अकेला नहीं बहता है तो उसमें मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा गाजर डाल दीजिए उसके अंदर, या जो है आप सेब डाल दीजिए, आप वेजिटेबल्स का जूस पीजिए, फ्रूट जूस पीजिए। बाकी जो कोल्ड ड्रिंक्स और फास्ट फूड है इससे थोड़ा सा परहेज कीजिए, आप स्पाइसी भोजन कम लीजिए। स्वाद तो पूरी दुनिया में मैंने देखा, स्वाद बहुत ज़्यादा स्वाद के लिए मसाले केवल भारत में प्रयोग किए जाते हैं, पूरी दुनिया में मसालों का प्रयोग नहीं होता है, वो तो टेस्ट जैसा हम खाते हैं वैसे ही डेवलप हो जाता है। इसलिए आप थोड़ा सा चेंज करेंगे तो बिना मसालों को भी आपको स्वाद आने लगेगा। मुहासे के लिए पानी का प्रयोग तो उपयुक्त है ही है, लेकिन ये पानी का प्रयोग व्यक्ति सोचता है इससे बहुत वक्त लगेगा। नहीं नहीं नहीं, आप पहले ही दिन पानी पीना शुरू कीजिए और ज़्यादा पानी पीना शुरू कीजिए, 4-5 लीटर पानी देर बाद भी पीजिए, आपको दूसरे ही दिनों से आप देखेंगे कि आपके मुहासों में अंतर पड़ गया है। आप स्पाइसी कम कर दिया, सोल्ट स्वीट कम कर दिया, थोड़ा फास्ट फूड कम कर दिया, ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पर आप आ गए, तो दूसरे दिन से आप अंतर महसूस करेंगे। और आप इसमें यदि आयुर्वेद को जोड़ देते हैं तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है, अर्थात आपको लगता है अरे ये तो तुरंत रिजल्ट, इंस्टेंट बेनिफिट मिल गया। हाँ ऐसा ही होगा, काया कल्प वटी, सुबह नाश्ते से 2 घंटा पहले, शाम को खाने से 2 घंटा पहले, 2-2 गोली पानी के साथ ले लिया। उम्र कम है अर्थात 15 वर्ष से कम उम्र है तो आप 1-1 गोली लीजिए, काया कल्प वटी 1-1 गोली 15 वर्ष से कम उम्र है तो, और 15 वर्ष से ज़्यादा उम्र है तो 2-2 गोली सुबह शाम पानी के साथ ले लें आप, और देखना इससे पिंपल्स ठीक होंगे, चेहरे की झाइयों में भी लाभ मिलेगा, इससे जो ब्लैक सर्किल्स आ गए हैं आँखों के नीचे उसमें भी फायदा होगा। अरे फायदा होगा मेरे भाई इससे सोराइसिस में भी, इससे लिकोडर्मा में भी फायदा होगा, लिकोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा, सोराइसिस, एक्जिमा सहित पिंपल्स, ये सारी स्किन प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स आपके दूर हो जाएंगे। हाँ कायाकल्प वटी के साथ साथ जिसको बहुत ही ज़्यादा पूरा चेहरा पिंपल से भरा हुआ है तो कायाकल्प क्वाथ भी पी सकते हैं आप, 1-2 चम्मच क्वाथ पानी में उबालिए रात को और खाने के बाद पी जाइए, सुबह पेट भी एकदम फर्स्ट क्लास साफ होगा और आपकी स्किन एकदम फर्स्ट क्लास। त्रिफला तो सबके घर में होता है, त्रिफला रात को भिगो दें और सुबह उसको बिना ही उबाले रात को मिट्टी के बर्तन में भिगोएं, मिट्टी की कुल्हड़ी जो होती है तो मिट्टी के बर्तन में कुल्हड़ी में 1-2 चम्मच त्रिफला भिगो दिया और सुबह उसको हिला करके बिना ही उबाले छान के पी गए, इससे भी आपके पिंपल्स गायब हो जाते हैं। और सुबह उठ करके टॉयलेट आदि से निवृत्त होकर के यदि आप जवारे का जूस पीते हैं तो बहुत उपयोगी होता है, ये एसिडिटी के लिए भी उपयोगी है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा करता है, ये हार्ट के लिए भी अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, ये हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है, ये कैंसर के लिए भी उपयोगी होता है, लेकिन इसका खास उपयोग है स्किन डिसऑर्डर्स के लिए। मैंने बोला स्किन डिसऑर्डर्स के लिए मुख्य जो जिम्मेदार है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को जो भी चीज़ें अच्छी करेंगे उससे आपके स्किन डिसऑर्डर्स दूर होंगे, सीधी सी बात है। और अब जवारे के जूस के बाद में एक जूस जो मैं सब बीमारियों के लिए बताया करता हूँ, क्योंकि वो हमारे शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं, ऑक्सीडेंट्स हैं, जितने भी भीतर नेगेटिव एनर्जी है वो पूरी बॉडी को क्लीन करता है एक जूस, उसका नाम है लौकी का जूस। लौकी का जूस पियो और सारे स्किन डिसऑर्डर्स मिटाओ, सच में योग का किया प्रयोग और हमने देखा और ये पाया कि 7 प्राणायाम के करने से टोटल स्किन डिसऑर्डर्स दूर होते हैं। भस्त्रिका, गहरे लंबे सांस भरते हैं और छोड़ते हैं,
ढाई सेकंड में लेना, ढाई सेकंड में छोड़ना, 5 मिनट ये करना, कपाल भाती। एक सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार, 10 मिनट में 600 बार, 15 मिनट में 900 बार हो जाता है। 10 से 15 मिनट ये कर ले आप। फिर बाह्य प्राणायाम, श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, तीन बंद लगे इसमें, 3 से 5 बार अनुलोम विलोम, बाईं नासिका से श्वास भरा, दाईं से बाहर छोड़ दिया, बाईं को बीच की 2 उंगलियों से बंद करके, फिर दाईं से लिया और बाईं से बाहर छोड़ दिया। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम, 2.5 सेकंड में लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना, 5 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 12 बार और आराम से आप इसको जब करते जाते हैं, धीरे धीरे ये प्राणायाम आपका 100 बार हो जाता है 10 से 15 मिनट के अंदर। तो 10 से 15 मिनट कपालभाति, 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम।